52,000 दस दिन की ओ पी डी हुई है, 5,200 उत्थे जिहड़े हैगे टेस्ट किए गए आ। सर तुसीं इत्थे रहिंदे हो, मैनूं नहीं पता तुसीं बाहर निकलदे हो कि बाहर निकल के देखो उस तो आम आदमी क्लीनिक तो लोग किन्ने खुशी ने। नहीं त्रुटि नहीं देखो त्रुटियाँ कुछ नहीं है, साडा महज यही सीगा कि असी हॉस्पिटल देखिए इत्थे जिहड़ी भी कोई किसी चीज़ की लोड़ है वो असी पूरियां कर सके, सानू पता लगे उरे स्टाफ की कमी है जां की कमी है की गलबात है। सो असी उरे आया देखिया ठीक है सफिशेंट है, पर असी इहनू होर जिहड़ा इंप्रूव करना चाहुंदे आ, इंप्रूव करिए ताकि उरो जिहड़ा पेशेंट आवे उन्हों अगे रैफर ना किया जाए, वो तो वह जो कोई इलाज है वो इसी हॉस्पिटल के जोड़ा किया। सर इतने मरीजों डॉक्टर नहीं हाथ पाते फोर्थ क्लास पाते हैं, थोड़े सामने भी मने भी स्टिच फोर्थ क्लास ला रही है, हूँ पोस्टमार्टम हो पोस्टमार्टम पूछ लो तो पोस्टमार्टम भी सर फोर्थ क्लास मेरे ध्यान लिया है गलबात, एक कोई गल नहीं, ये असी बिल्कुल ये जी गौर करेंगे, जो कोई इदा दी हुई तो बिल्कुल अगे वास्ते इदा का बर्दाश्त योग नहीं होगी, जिद इदा की कोई गलबात भी नवे आए ने। चलो इन्हों भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सो इस करके कई चीज़ा ने जिड़िया अजे सैट होंदे होंदे टाइम लग जाए, सो कोई गल नहीं है, ये असी करांगे जिन्ना दुरुस्त होगा सिस्टम सारा दुरुस्त करने वास्ते असी तुरे हुए हैं, सो इस करके सारा दुरुस्त करांगे, तुहाडा सहयोग चाहिए सगो आप जे कोई कमी पेशी है आपां उहनूं इह ना कहीए भी बहुत वड्डी कमी है, कोई कई बार इंसान है जिहड़ा तुहाडे तों भी बहुत कमियां गलतियां हो जांदियां ने, साडे तों भी हो जांदियां ने, सो इस करके समय नाल सारी चीज़ है जिहड़ी सैट कीती जा सकदी, असीं भी सैट करन दे वास्ते असीं जिहड़ा हर एक हॉस्पिटल नूं चैक कर रहे हैं, क्योंकि पिछलियां सरकारां ने इस पासे वल ध्यान ही नहीं दिता। सो साढ़े मान साहब साढ़े पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी महान होरां दा सुपना है कि साढ़े दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का सुपना है कि असी पंजाब दी सेहत सहूलतां ने जिहड़ियां उन्हां ते पूरा फोकस करके हर एक नूं इलाज है जिहड़ा वो दईए, किसी नूं कोई इलाज खणो किसी की मौत ना हो साडी प्रायोरिटी है, उसते असी काम करना। सर तुसीं गलती दी गल कीती है कि थोड़ी जिही अणगहिली कारण बंदे दी मौत भी हो सकदी है, कि जायज़ हैगा इत्थे कोई क्लास 4 जां होर ओ सर होगी गलबात होगी। सर आम आदमी पार्टी सेहत ते सिक्ख्या नूं लैके सरकार बनाई सी, बड़ा वड्डा समर्थन लोकां ने दित्ता गया, तो 94 दे करीब विधायक आए 92 तो इत्थे जिहड़े डॉक्टर ने उन्होंने रियासत बना रखी है भी मानसा कोई आंदा नहीं सानू कोई बदल नहीं सकता, ऑर्थो दे डॉक्टर है पहला तो ऑपरेशन नहीं करते, अगर करते हैं तो वह तो एफीडेविट लिया जाता भी बाजार चो तेरे मैं रौड़ पाऊँगा एफीडेविट दे खरीद के दूंगा, एस एम ओ साहब ने भी कंप्लेंटा करती हैं, पेशेंट एफीडेविट दिता जी इतने 70,000 मेरे ध्यान च लिया गल इदा उरे इस हॉस्पिटल की पंजाब की किसी हॉस्पिटल भी इदा का नहीं होगा, साडा प्रोपर हर एक हॉस्पिटल से असी जी नज़र है जी बना के रखा, अज मैं ये अज आगे मुड़ के आना नहीं, हूँ 10-15 दिन बाद जोड़ा गेड़ा लगता रहेगा, क्योंकि ये तो मेरे नाल है, इस करके कोई गल नहीं जो कोई पिछे कमियां रही उन्होंने हूँ कभी भी बर्दाश्त नहीं। इन्हें ही SMO साहब बैठे है, इन्होंने ही पहला उन्होंने दिखाया सी दवाइया बनाइया सी वड्डी पद्धर से, इन्होंने ही दिखाता जी मरीजों तो एफीडेविट ले गए हैं, जबकि सरकार को GST भी आना है, अगर 70,000 की चीज़ ली है तो GST भी आऊगा, वो भी चोरी किया जाता डॉक्टर आपकी जेब च पाया जाता है, पर डॉक्टर साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। आ सामने बैठे कोई गल नहीं, ध्यान लिया तो जरूर जी है बनती कार्रवाई जरूर करा। सर पिछले 3 महीनों के सेहत का ग्राफ इलाज का दिनों दिन डिग ही रहा है। की डिग गया जी? इलाज नहीं है सर। दसो किसी भी इस तो पहला सही सी जो पिछली सरकार दी की 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 सब तुसी एक्सप्लेन करो। सही सी उन्ना भी पहले डॉक्टर हैगी सीगे। हां जी हुण साडे डॉक्टर ही है। नहीं सर डॉक्टर किते होर ता नहीं गए, डॉक्टर पंजाब च ही ने। जे जे सर जे डॉक्टर पिछलियां सरकारां ने डॉक्टर भर्ती करे होंदे ता प्रॉब्लम ना आंदी, सर असी लगे होए आ, असी किसी भी हॉस्पिटल नूं डॉक्टरां खुणों बांझा नहीं रहण देवांगे, सारे कितें हॉस्पिटलां दे डॉक्टर लैके आवांगे, जिन्ने साडे लई डॉक्टर ने ओह सारे ए नहीं है भी वो कितने एक थामे जाके बैठे वो सारे हॉस्पिटलों च ने, सो इस करके तुसी इत्थे दे हो, तुसी सारे पंजाब च तां तुसी दौरा किया नहीं है, सो पहला उधर सीगे जे उरों कोई डॉक्टर चले गए कोई गल नहीं लैके आवांगे डॉक्टर जिन्नी लोड़ होगी डॉक्टर लैके आवांगे, कोई ग्राफ नहीं गिरा ग्राफ वधिया, तुहानूं पता जिहड़े आम आदमी क्लीनिक खोले ने 10 दिन की ओ पी डी कितनी हुई है उत्थे सर 52,000 10 दिन की ओ पी डी हुई है, 5,200 उत्थे जिहड़े हैगे टेस्ट किए गए,
सर तुसी इत्थे रहने हो, मैनू नहीं पता तुसी बाहर निकल दे जाके, बाहर निकल के देखो उस तो आम आदमी क्लीनिक तो लोग किन्ने खुशी ने, ये हॉस्पिटलों तो जिहड़ा वजन घट होया, जिहड़े कोई होर वड्डे मेजर इलाज वाले तो उन्हां नूं परेशानी हुंदी सी, हुण उह सारियां दूर होण गईआं। थोड़ा मौका तो दो, पहली कोई सरकार का कोई सेहत मंत्री हॉस्पिटल दे विच आया जी, कदे देखिआ तुसी किसे हॉस्पिटल च विजिट करदा? मान साहब दी सरकार है, उन्हें जिन्ने MLA साहब ने उन्हां नूं भी, जिन्ने मंत्री साहब ने उन्हां नूं भी इक्को ही बेनती आ कि तुसी हल्के च भी जाना, और ये नहीं है भी घरें बैठना ऐश प्रस्ती वास्ते तुसी MLA बने हो जां मंत्री बने हो, तुहाडी जिम्मेवारी है। पंजाब का जो प्रॉब्लम है वो तुहाडी आपदी प्रॉब्लम है, सगो तुहाडी तुसी भी ना समझो भी कल्ली इन्हां दी जिम्मेवारी बन गई SMO साहब दी। तुसी जे कोई गलत करदा दुकानदार, तुसी उहदे भी खिलाफ़ डट के ओह करो, ये ना ना भी सारा सारा ठुना आप SMO ते भन्नीए जां होर करिए, नहीं अफसर ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸਰ ਅਫਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਚ ਕੰਪਲੇਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਨਵਦੀਪ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਏ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੀਕੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦ ਰੱਖ ਲਏ ਕੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਲਓ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਿਆਮ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਮ ਦੀ ਲੋੜ।